The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। इस चैनल के द्वारा हम आपको साइंटिफिक और बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं हर प्रकार की बीमारी के बारे में और हर प्रकार के प्रॉब्लम्स के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में आप भली भांति परिचित हैं, जानते हैं, लेकिन वेव्स दो आ चुकी हैं, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। सो वेव वन और वेव टू में क्या फ़र्क है उसके बारे में हम जल्दी से जान लेते हैं। याद रखिए, वायरस एक ही है लेकिन उसका नॉन म्यूटेटेड वर्जन था, जो पहला वाला वर्जन था वेव वन में। वेव टू में म्यूटेंट वायरस है, सिंगल, डबल और ट्रिपल म्यूटेंट, तीन चार ऐसे अलग अलग म्यूटेशंस देखने को मिले वेव टू में। वेव थ्री पॉसिबिलिटी है बहुत हाई और उसमें और ज़्यादा म्यूटेशंस होने के चांसेस हैं। जब अगर हम कंपेयर करें कि वायरस कितनी तेज़ी से फैला वेव वन या वेव टू में, तो वेव वन में स्प्रेड वायरस का स्लो था और वेव टू में रैपिड स्प्रेडिंग वायरस था। पहली वेव जब आई थी उसमें जो उम्र थी, वो जो बुज़ुर्ग लोग थे जिनको पहले से ज़्यादा बीमारियां थी, वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल थे, ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे। सेकेंड वेव में बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ सम अदर इस प्रकार के म्यूटेशंस, जिसके वजह से यंग चिल्ड्रन, मिडिल एज पीपल, इवन इफ उनको कोई बीमारी नहीं भी है, वो लोग जो है ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी उनको दिक्कत हुई है इस वेव में, सेकेंड वेव में। सोशल स्टेटस अगर देखा जाए तो पहले वेव में जो ओवर क्राउडेड जगहें थी, जो लो क्लास लोग थे, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे। सेकेंड वेव में अपर मिडिल क्लास लोग, जो एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट देखे तो वेव वन में बिल्कुल रेयर इन्वॉल्वमेंट था पहली वेव में। सेकेंड वेव में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी देखी गई है, चाइल्ड डेथ भी देखा गया है, MIS-C के कॉम्प्लिकेशंस, GBS के कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं। सो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, चाइल्ड डेथ सेकेंड वेव में आ गया है। अब वायरस का बात करें तो वायरस पहले वेव में गले में ज़्यादा रह रहा था, मोर देन लंग्स। सेकेंड वेव में गले में वायरस ज़्यादा दिन नहीं रह रहा, ज़्यादा वो लंग्स में जा रहा है, डायरेक्टली जा रहा है, उसकी लंग्स की एफिनिटी बढ़ गई है, ये देखने को मिल रहा है कि लंग्स के अंदर तुरंत घुस जा रहा है, उसके म्यूटेशंस के वजह से ऐसा हुआ। सिम्टम वाइज पहले वेव में फीवर था, बुखार रहता था, ड्राई कफ था, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थी, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये सब अब भी है। अब सेकेंड वेव में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हो गए हैं, बॉडी पेन, सिवियर बॉडी पेन, फटीग, सांस में दिक्कत, साथ में खांसी, सर दर्द, लॉस ऑफ स्मेल और लूज स्टूल, राइट, और इवन कंजंक्टिवाइटिस सेकेंड वेव में बहुत ज़रूरी सिम्टम आ गए। RT-PCR का जो हमारा स्वैब है, टेस्ट जो है, ज़्यादातर पहले वेव में बहुत ही रिलायबल था और पॉजिटिव जो था वो पॉजिटिव आता था, मोस्टली पॉजिटिव आता था। उसकी जो फेलियर के चांसेस 30% थे, इस वाले सेकेंड वेव में फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव वाला आ गया है, यानी नेगेटिव टेस्ट पे आप भरोसा नहीं कर सकते, आपको ट्रीटमेंट सिम्टम इसके हिसाब से ही करना पड़ता है सेकेंड वेव में। सीटी चेस्ट की इमेज जो है उसमें पहले वेव में लंग का डैमेज कम देखने को मिल रहा था, अब इतना खूंखार डैमेज मिल रहा है, मोर लंग डैमेज, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंग डैमेज होते हुए दिख रहा है सेकेंड वेव में। ट्रीटमेंट वाइज जो अब की वेव में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस आए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ वायरस भी तेज हुआ है, इसलिए लोगों को बचाना मुश्किल हो गया। पहले वेव में हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं था, अब वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन सबके पास नहीं पहुंचा, अवेलेबिलिटी नहीं है फिर, और दूसरा इशू है कि वैक्सीन जो है एक तो मिलता ही नहीं है सबसे ज़्यादा, और दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि
उसके ऊपर रिसर्चेस अभी भी चल रहे हैं कि भी कितने दिनों की इम्यूनिटी देगा और कितने परसेंट इम्यूनिटी देगा, वैक्सीन लगाने का प्रोसेस आप फुल प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं, तो हज़ारों प्रॉब्लम्स उस सेक्शन में भी है। तो सेकेंड वेव के हाइलाइट्स ये हैं कि सेकेंड वेव आपका इन्फ्लामेशन करेगा, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होंगे जो बढ़ेंगे और सीधा लंग डैमेज शुरू हो जाएगा। आपका लंग डैमेज से पहले आपको आपको इलाज शुरू करना ज़रूरी है, क्योंकि वो लंग डैमेज होने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, PaO2 फिर SpO2 कम होने लगता है, और वायरस खुद डायरेक्टली नहीं मारता, इट किल्स बाय इम्यून इन्फ्लामेशन, आपकी खुद की इम्यूनिटी मारती है। आपको अपने क्लिनिकल और बायोकेमिकल इन्फ्लामेटरी पैरामीटर CRP, डी डाइमर, IL-6 ये सब मॉनिटर करने होंगे। आपको अपने हार्ट रेट, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना होगा। अर्ली स्टेज में आपको स्टीरॉयड नहीं देना है, 5th, 6th, 7th स्टेज में आप 7th डे के आसपास आपको स्टीरॉयड देना होता है उनका जिनका अंदर इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़े हैं या ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं। लाइफ सेविंग के लिए राइट नॉलेज, राइट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और SpO2 कम होना एक लेट फाइंडिंग है, CRP एक बहुत ज़रूरी फाइंडिंग आ जाती है। अगर CRP लेवल 5 से ज़्यादा है, D-dimer 2 से ज़्यादा है, NLR 3.2 से ज़्यादा है, तो उस समय स्टीरॉयड जैसे कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन आर गेम चेंजर्स। अगर वो सही वक्त पे शुरू कर दें तो सबसे अच्छा है। पहला स्टेप अगर आपको कोई सिम्टम है तो आइसोलेशन है, सेकेंड स्टेप ट्रीटमेंट है, थर्ड स्टेप आपका है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग पहले नहीं करनी है, टेस्टिंग हो रही नहीं हो रही छोड़ दो। ऑक्सीजनाइज हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड करें अनलेस एंड अंटिल आपको ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल कि आप सही वक्त पे सही इलाज लें सेकेंड स्टेज में। सो यही चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखेगी थर्ड स्टेज में भी, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों का ऑलरेडी पुरानी बीमारी है उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है ये सारे पॉइंट्स। सो दिस इज़ समरी ऑफ फर्स्ट सेकेंड स्टेज, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। प्लीज़ 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 इस सब डेटा को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, लोगों को बताना, सही जानकारी देनी, गलत जानकारी देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। सो प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।